Namaste, Sat Sri Akal. It's really good to be back in my own city, and it was not that old that I was here in month of September. So दोबारा आने में उतनी खुशी हो रही है जितनी पिछली बार थी, शायद उससे भी ज़्यादा, क्योंकि इस बार मैं अपनी पांचवी किताब के बारे में बात करने जा रही हूँ. तो आज जो लॉन्च हो रहा है वो मेरी फिफ्थ बुक का है, which is called Through the Despairs. As the title itself tells you, that we all do so many things in our lives, but why do we always talk about the highs? हम हमेशा खुशियों के बारे में बात करते हैं, हम हमेशा अच्छी चीजों को नुमाइश पे लगाते हैं. Why am I using this strong word नुमाइश? हम हमेशा सोशल मीडिया हो या फ्रेंड्स हो, जिनसे चीजें शेयर करनी है, हमेशा उन चीजों को ग्लोरीफाई करते हैं जिससे ईर्ष्या तक पैदा होती है. लेकिन हमेशा अपनी तकलीफों को, अपने दर्द को, उन स्ट्रगल्स को छुपाते हैं जो सिर्फ हम जानते हैं. उसकी वजह कुछ भी हो, लेकिन वी शुड अंडरस्टैंड दैट इफ पोएट्री हैज वन स्ट्रॉन्ग पावर, दैट इज सेल्फ डिस्कवरी एंड हीलिंग. सो व्हाट आई हैव डन थ्रू दिस बुक इज मेजरली एक्सप्लोरिंग व्हाट पोएट्री डज. And the most important thing we learn in our life is not through the wins and victories, but through the struggles and hardships. तो जो तकलीफें हमें सिखाती हैं, शायद वो हमें सक्सेस नहीं सिखा पाती. तो इस उस पे हम मौजू पे शुरू करते हैं आज. इस पे मुझे फैज़ अहमद का शेर बहुत अच्छा याद आता है. दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही सही, लंबी है रंग की शाम मगर शाम तो सही. तो इसी बात पे हमें खुश रहना चाहिए. कम से कम जिंदगी तो है, जब तक जिंदगी है एक आस है, और उसी आस पे हमें कायम रहना चाहिए, उसी को आस को लेके आगे बढ़ना चाहिए. नाउ आई वुड लाइक टू रीड अ शॉर्ट फ्यू कपलेट्स फ्रॉम माय पोएम्स. It is the very first poem, और बहुत ही simple है. Simple in the words, but जब आप इसको समझेंगे तब आप समझेंगे कि struggles, challenges, hardships क्या कुछ सिखाती हैं. वो शायद वो सिखा जाती हैं जो हमें खुशगवार लम्हे नहीं सिखाते. The title is See. Stood by your side when you wanted me the least, while other scums were sitting. Held your head high when others were sleeping, ran through the rugged terrace when others were walking, kept your unshared dreams alive as if they were mine. While others grow older, now you must think what others don't want, to see that you can be what others don't see. So, इस मैसेज के साथ मैं ये कहूंगी कि अपने आप को देखिए और क्या आप कर सकते हैं, क्या आपकी क्षमता है, उसको समझिए, उसके बाद आगे अपनी जिंदगी को लेकर आगे बढ़िए. पोएट्री हमेशा आम जीवन से ही जुड़ी हुई लिखनी चाहिए, क्योंकि आप जो एक्सपीरियंस करते हैं या आपके आसपास जो घटनाएं घट रही हैं आप उसके बारे में लिखते हैं. तो मैं हमेशा इसको रियलिस्टिक रखती हूँ, क्योंकि फिक्शन लिखना शायद मेरे हिसाब से बहुत आसान है, लेकिन वो पर्पस सॉल्व नहीं करता. और इस बुक का तात्पर्य यही है कि थ्रू द डिस्पेयर्स, तो आप जब स्ट्रगल्स के आगे पहुंचते हैं तो जो आपने अपनी क्षमताओं के बारे में सोचा नहीं है आप वो बनते हैं. यू आर अ सुपर पावर इन योर सेल्फ. सो दिस बुक बेसिकली फोकस ऑन रेजिलियंस. जो एक इंसान में एक क्वालिटी है रेजिलियंस, हम उसको बहुत निगेट कर देते हैं, इग्नोर करते हैं कि हाँ शी इज रेजिलियंट, ही इज रेजिलियंट. लेकिन रेजिलियंस क्या है? रेजिलियंस वो है जो हर चीजों को समझ के, अपनी कमजोरियों को समझ के, अपने अंदर की क्षमताओं को समझ के, अपने आप के आसपास की चीजों को समझ के, अपनी सिचुएशन को समझते हुए आगे बढ़ना और उन चीजों को इम्प्रूव करना, उन चीजों से लेसन लेना, उस चीज के बारे में मैंने लिखा. तो ये बुक उन चीजों के बारे में, शायद हम सब जो यहाँ बैठे हैं उन्होंने स्ट्रगल किया है, लेकिन हम स्ट्रगल्स के बारे में इतना बात नहीं करते, क्योंकि एक बार ये स्ट्रगल्स जब पास ऑन हो जाते हैं तो शायद हम उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहते. तो ये जो रिफ्लेक्शन पार्ट है वो बहुत दूर रह जाता है, लेकिन कभी कभी बहुत जरूरी है कि हम उन चीजों के बारे में सोचें,
उनके बारे में एक बार गौर फरमाएं कि अगर ये हुआ था तो क्यों हुआ था और कैसे हुआ था और इससे मैंने क्या सीखी। तो जिंदगी में सीख लेना बहुत जरूरी है और सीख हम शायद किताबों से नहीं लेते, जिंदगी हमें सिखाती है। मैं हिंदी में भी लिखती हूँ और उर्दू में भी लिखती हूँ, क्योंकि सबसे पहले जब मैंने लिखना शुरू किया तो इंग्लिश तो बहुत बाद में आई, उर्दू लिखाई मैंने अपने फादर से सीखी, क्योंकि मैं यहाँ रही पली बड़ी चंडीगढ़ में, कोई उर्दू फॉर्मल स्कूलिंग तो थी नहीं, लेकिन मेरे फादर को पर्शियन आती थी तो उनका बड़ा शौक था, वो लिखते थे तो उनको बड़ा था कि कोई तो आगे इस चीज़ को फॉरवर्ड करे। वो जब पढ़ा करते थे तो मुझे हमेशा लगता था कि अगर रूमी ये लिख रहे हैं तो रूमी का क्या मतलब, वो सिर्फ शम्स के लिए लिखते हैं या इससे आगे भी सोचा जाए। तो जब इस तरह का आपका एक्सपोजर होता है बहुत ही छोटी उम्र में तो आप आई स्टार्टेड राइटिंग इन उर्दू। अगर अगर मुझे मौका मिला तो मैं इनको ही नहीं, मैं इनको ब्रेल में भी लिखना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे हम सब लिखते हैं लेकिन शायद वो एक तत्पा अभी भी है, वो एक सेट अभी भी बहुत एक सेक्शन है जिसको हम अभी भी मतलब वी आर नॉट रीचेबल टू देम, अभी भी हम उन तक पहुंचे नहीं है। तो शायद उन लोगों के लिए लिखना, क्योंकि उनके स्ट्रगल्स हमसे कहीं ज्यादा है, तो उन तक पहुंचना मेरा अगला मिशन है कि अगर मुझे कोई कोलैबोरेशन मिला तो मैं डेफिनेटली इस बुक को हर भाषा में लिखना चाहूंगी, क्योंकि पोएट्री की कोई भाषा नहीं होती और इस सिर्फ इमोशंस है। मैं एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गई, वहां पूरा एक सेक्शन है और वहां पे आप देखेंगे कि आई वाज सरप्राइज्ड, शायद मैं ज्यादा लॉस्ट थी इंस्टेड ऑफ विजुअली इंपेयर्ड पीपल। उनका अपना उनको पता था कि यहाँ से 8 कदम पे तुम दाएं में देखोगे तो तुम्हें यह दिखेगा, तुम बाएं में देखोगे तो तुम्हें ये दिखेगा, और तुम रिक्शे पे हो तो तुम्हें इतनी दूर पे तुम यहाँ पहुंचोगे। तो मुझे एक इंस्पिरेशन मिला कि अगर ये इतना कुछ कर रहे हैं और उनकी ब्रेल भाषा में वो समझ के सब कुछ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको भी तो मतलब क्या कहा जाए, उनको भी सेल्फ हीलिंग चाहिए, उनको भी एक मोटिवेशन चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए, और उन्हें भी उन भावनाओं का एहसास होना चाहिए जो हम जैसे लोग करते हैं। तो अभी बातचीत चल रही है, इंशाल्लाह ताला आगे कोशिश जारी है। मैं पोएट्री ही लिखती हूँ तो मेरी 6वीं बुक पे काम जारी है, बट लेकिन मैंने उससे विमेन के बारे में लिखा है, दैट ओनली विल फोकस ऑन व्हाट मेक्स अस विमेन। हम कहते हैं कि वो she's a woman, she can handle, वो क्या एक वो, and the title is becoming her, तो वो जो becoming her है, what makes her her, तो एक औरत को औरत कैसे बनती है और क्या है उसकी, क्या struggles हैं, उसकी क्या challenges हैं और उसकी क्या accomplishments हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वो equity और equality के बीच में confuse हो जाते हैं, तो equity पे बहुत focus है।